Assalamualaikum. We are going to start our session now, and Mr. Sajid, I think I will find. जी साजिद, आप सुन सकते हैं मुझे अब? जी. सो आवर नाउ लेक्चर विल स्टार्ट अबाउट सम अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग China, and Mr. Sajid Iqbal will present. He is presenting in our platform first time, so you will have a nice presentation. And obviously, ये आपकी मर्जी, आप उर्दू में दें या इंग्लिश में, इट्स अप टू यू, मतलब जैसे मर्जी. और जैसे कि आप जानते हैं कि इनके लेक्चर के बाद हमारे एक और प्रेजेंटेशन होगी मिस्टर अली फ्रॉम डेनमार्क एट 4 o'clock, और इसके अलावा एट 6 o'clock मिस्टर गुलाम जिलानी फ्रॉम ही विल एक्सप्लेन अबाउट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशल फॉर PhDs इन ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा. एंड देन एट 8 o'clock मिस्टर फरूक हमजा, ही विल एक्सप्लेन अबाउट अपॉर्चुनिटीज फॉर केमिकल, पेट्रोलियम एंड सिविल इंजीनियर्स. सो थैंक यू मिस्टर साजिद फॉर लेक्चर, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट योर लेक्चर. आई विल जस्ट टर्न ऑफ माई साउंड एंड यू कैन कंटिन्यू. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम साजिद इकबाल है. मैं HSC स्कॉलर हूँ. यहाँ हार्बिन में, हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में PhD स्टूडेंट हूँ. आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी, आ रही है. आप बोलें, जब मसा हो मैं आप. ठीक है. मेरी स्कॉलरशिप, मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है जी, जो चाइना में जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में बात करूंगा. ये हदीसे मुबारक आप लोगों ने पहले सुनी होगी, यकीनन पढ़ी होगी, कि द इंक ऑफ अ स्कॉलर इज मोर सेक्रेट देन द ब्लड ऑफ अ मार्टर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत की जाती है. इसी तरह ये मेरी एक फेवरेट कोटेशन है कि खुश नसीब है वो शख्स जो अपने नसीब पर खुश है. और यहाँ ये मैं डेडिकेट करूँगा ये कोटेशन वकार साहब को और उनकी टीम को. बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी कि तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान में बैठे अपने जूनियर दोस्तों से मुखातिब हो सकूं. इससे पहले कई वेबिनार मैंने अटेंड किए, लेकिन इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं खुद हिस्सा हूँ किसी ऐसी एक्टिविटी का जिसमें लोग मुझे सुन रहे हैं. सो ये शायद अहमद फराज साहब को कभी कोई शेर है, मुझे शेर तो याद नहीं सही तरह. अगर किसी को याद हो तो हमारी जरूर मेरी तस्दीक कर दें. बल वो यही चाइनीज कोटेशन है जी, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन यही है कि आप बेसिकली अपने हिस्से की शमा जलाएं जाए जे जाए कि आप अंधेरों को हमेशा ब्लेम करते रहें. तो इन कोटेशन के बाद अपनी स्लाइड की तरफ मैं चलता हूँ, लेकिन स्लाइड से मैं अपनी कहानी कुछ अपनी जुबानी शेयर करना चाहूँगा. कि सन 2012 में मुझे मौका मिला जी तारक अजीज शो में गाड़ी जीतने का. तो ये मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मेरा फेवरेट पास टाइम है कि मैं किताबें पढ़ता भी हूँ और इसी अपन और फिर सवालों के जवाब ढूंढता भी हूँ. तो सवाल करना, सवाल पूछना, इस तरह पहेलियाँ बचपन में हम लोग सभी पूछते हैं, तो फारे वक्त में ये मेरा मशगल है. तो यहाँ मैं इस रेफरेंस से ये ज़रूर मोटिवेट करूँगा तमाम दोस्तों कि आपका जो भी मशगला है वो उसे अपना रहनुमा बनाने की, उस शौक़ को अपना रहनुमा बनाने की कोशिश करें और अपने फारे वक्त में कोई ना कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करें, ज़रूर किसी पॉजिटिव एक्टिविटी का ज़रूर हिस्सा बने, चाहे वो डिबेट्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, तो जो भी आपका शौक़ है उसे परसू करें. तो यहाँ हार्बिन में आज टेम्परेचर जो है जी वो बर्फबारी हो रही है. आज पहला दिन है, ये दूसरी बर्फबारी है जो मैं देख रहा हूँ. तो आज टेम्परेचर इस वक्त बाहर -12 सेंटीग्रेड है. और हार्बिन इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पे
स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल होता है, तो दुनिया में चार शहर हैं जहाँ सा फेस्टिवल होता है, उनमें हार्बिन एक है। तो जैसा मैंने अपनी शुरू की स्लाइड में बताया, पहली स्लाइड में, कि मैं HIT में पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ चीसी स्कॉलर हूँ, मेरे साथ और भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, और उनके अलावा CSC स्कॉलरशिप, चाइना चाइना चाइनीज गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे लोग मास्टर्स और PhD कर रहे हैं। इसके अलावा हार्बिन शहर की बात ही अगर मैं करूँ, तो यहाँ मुझे मौका मिला दोस्तों को मिलने का, हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, उसमें मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स हैं जी, जो कि नेस्कॉम के स्कॉलर हैं, जो जा रहे गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, वहाँ यहाँ पढ़ने आए हैं। और उसके अलावा हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस से जो लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से मिलने का मौका मिला, जो PSC इंजीनियरिंग जिन्होंने यहाँ की है और अब मास्टर्स कर रहे हैं। इसी तरह हार्बिन में मेडिकल कॉलेज में मुझे कोई पाकिस्तानी भी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ एक इंडियन दोस्त थे उनके, शायद केरला स्टेट है, वहाँ से उनका ताल्लुक है, उनसे मेरा एक दो दफ़ा रब्ता हुआ है। इसके अलावा जी जुम्मा की नमाज जब पढ़ने जाएँ, तो यहाँ हार्बिन में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ काफ़ी सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं। और आखिर में जो मुझे दोस्त मिले वो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है हार्बिन में, वहाँ भी मास्टर्स और PhD में मुख्य डिसिप्लिन में हमारे पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। तो अब इस कहानी को सम करके मैं दोबारा आता हूँ जी अपनी स्लाइड की तरफ। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में चाइना में जब से इन्होंने रिफॉर्म्स अपने शुरू किए हैं, जब से 1976 से माओ ज़ेदुंग और चुआन लाई के बाद इन्होंने ओपन अप करना शुरू किया है, और हाल से पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, और ख़ासतौर पे ये फैक्चुअल फिगर्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि सन 2010 में एक बड़ी तादाद में यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, और उसमें अच्छी बात यह है कि जो उनमें कहना चाहिए बहुत बड़ी तादाद में लोग चाइनीज गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे, खासतौर पे मास्टर्स और PhD कर रहे थे। इस स्लाइड में दोबारा वही याद दहानी है जी, कि BSc BS स्टडीज में अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 से 5 साल का होता है, उसमें क्योंकि ये चाइनीज प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, तो 1 साल आपको चीनी जुबान सीखने पे आप गुजारते हैं, चीनी जुबान सीखते हैं, तो उसके बाद आप अपना एक्चुअल जो मेजर होता है उसकी स्टडीज आप स्टार्ट करते हैं। इसी तरह मास्टर्स 2 से 3 साल का, उसमें ये अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल हो आपके डिपार्टमेंट में, तो फिर तो 2 साल में मास्टर्स होती है, अदरवाइज अगेन वही 1 साल जुबान के लिए। और आखिर में PhD जी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ ड्यूरेशन है, तो अमूमन 3 से 5 साल का अर्सा दरकार होता है। अब जो कि मैं बात करते हैं कुछ जो कि मेरी प्रेजेंटेशन का टाइटल था, टॉपिक है कि जी यहाँ कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो 3 बुनियादी जो हैं टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो चाइनीज गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा यहाँ क्योंकि शायद लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है काफ़ी मुस्तहकम है, तो लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स भी हैं, जैसा बीजिंग गवर्नमेंट या इनकी जो और बड़ी थियानजिन है, शंघाई, जो बड़े शहर हैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये 3 अहम जो है स्कॉलरशिप्स हैं, इनके अलावा ज़ाहिर मेरे में नहीं है कोई। यहाँ मैं रिलेट करूँगा एक और ज़ाहिर अपना तजुर्बा, कि बीजिंग में मेरी मुलाकात हुई बीजिंग यूनिवर्सिटी पोस्ट एंड टेलीकॉम में, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक मियाँ बीवी हैं, मैं खातून पहले PhD के लिए आई CSC के स्कॉलरशिप पे, और उन्हें जरा ट्यूशन फी और उसके बाद उनका जो मंथली अलाउंस है वो सारा उन्हें फुल स्कॉलरशिप मिल रहा है। उसके बाद उनके जो हस्बैंड है वो भी बीजिंग गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे यहाँ आए,
और बीजिंग गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप में भी थोड़ी देर में हम आगे भी बात करेंगे, उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस आपको मिलती है, बाकी आपको कोई और अलाउंस नहीं मिलता। इसी से रिलेट करते हुए कि जो तीन टाइप्स हैं उसमें आगे ये मुख्तलिफ नाम के साथ इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, ये आप इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और इनको इंडिविजुअली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बेसिकली CSC की चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट है, उस पर ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और इनकी डिटेल है और आप इन्हें वहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ एक और मुस्लिक बात यह है कि जी आपको जो मंथली अलाउंस मिलता है वो मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स को डिफरेंट मिलता है, तो उसमें तकरीबन 1700 युआन मिलते हैं MS के स्टूडेंट को और PhD के स्टूडेंट को 2000 रमीबी मिलते हैं। और इसमें यह है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर आप कहीं अपार्टमेंट लेते हैं तो फिर आपको उसकी उसका उसमें मजीद कोई 700 से 9000 युआन आपको अकोमोडेशन के लिए यूनिवर्सिटी पे करती है। अब स्कॉलरशिप के साथ ही एक स्लाइड में ये जिक्र करने की कोशिश की है कि चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन जो बड़ी अहम यूनिवर्सिटीज हैं वो जिस तरह पेकिंग यूनिवर्सिटी है, नानचिंग है, HIT है, तीशिंगवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना है, चर्चैन यूनिवर्सिटी है, शंघाई जियाओतांग यूनिवर्सिटी है, शियान जियाओतांग यूनिवर्सिटी है और फूथान यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन ये 9 बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी हैं और इन तमाम यूनिवर्सिटीज में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। इनके अलावा भी दूसरी यूनिवर्सिटी को भी आप जो CSC की वेबसाइट है वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। ये जी बेसिकली चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट, बड़ी अहम वेबसाइट है जी, यहाँ आप जाके इन स्कॉलरशिप्स को और उसके अलावा जितने प्रोग्राम्स हैं और जितनी अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने कुछ मिसाल के तौर पे कुछ आपके साथ यूनिवर्सिटी शेयर की हैं, इन सबको आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक और अहम वेबसाइट, एक URL जो स्कॉलरशिप के रेफरेंस से क्या आप अपना जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो एक यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जैसा आज तमाम दुनिया में राइज है कि अब आप ईमेल पे और ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ भी आप अपनी अलग से अपनी एप्लीकेशन यहाँ आप CSE की वेबसाइट पे और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू सबमिट करेंगे। अब कुछ अहम बातें जी कि आपको जो CSE है वो आपकी इंडिविजुअल एप्लीकेशन जाहिर है उसे डिटेन नहीं करेगी, आपको जो चाइनीज यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ कांटेक्ट करना है, वहाँ आपको प्रोफेसर के साथ रब्ता करना है और साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी का जो भी रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर है उनसे रब्ता करना है और साथ जैसा पिछली स्लाइड में मैंने जिक्र किया कि अपनी CSE को ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपने सबमिट करनी है। और अमूमन ऐसा आप जो है ना हर साल फरवरी से पहले पहले आप करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में भी रब्ता करें और डिपार्टमेंट्स सर्च करें और रिस्पेक्टिव जो स्टूडेंट सेंटर इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर है वहाँ कॉन्टेक्ट करें और साथ ही आप जो CSE की वेबसाइट है वहाँ भी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करें। एक सवाल पूछा गया था कि जी यहाँ फॉरनर्स और स्पेशली क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यहाँ चीनियों को बहुत शौक है इंग्लिश बोलने का पढ़ने का, तो काफ़ी फॉरनर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं इंग्लिश मुख्तलिफ हर लेवल के स्टूडेंट्स को, ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अपनी पढ़ाई के अलावा वक्त निकालें और चीनियों को अंग्रेजी पढ़ाएं और उनसे चीनी सीखें। और आखिर में अगेन जो मैंने शुरू में लिंक्स शेयर किए हैं कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट है, आप उस पर यूनिवर्सिटीज को भी सर्च कर सकते हैं और जितने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, और उसके साथ ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे
और अगर आप हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आगे सर्च करना चाहें तो ये यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर की URL ये, अब फ्लोर ओपन है, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। थैंक यू मिस्टर साजिद फॉर द लेक्चर, इट वॉज क्वाइट नाइस। अब आप में से जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ऑन द चैट बॉक्स इफ समवन हैज क्वेश्चन। एंड आई थिंक पीपल हैव नो क्वेश्चन बट इट इज फाइन। लेकिन बहुत ये भी क्वेश्चन आया कि आर देयर अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप्स, अंडर ग्रेजुएट के स्कॉलरशिप्स होते हैं? जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि BS के स्टूडेंट्स को यहाँ सेल्फ फाइनेंस भी मैंने देखे हैं, चाहे वो बीजिंग हो या ये हार्बिन हो। मास्टर्स और PhD के स्कॉलरशिप पे हैं लोग, CSE के स्कॉलरशिप पे हो या HEC के या NASSCOM जिसका मैंने जिक्र किया। सवाल पूछा गया कि आई वांट टू डू PhD इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर चाइना हैज गुड स्टेप फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, चाइना आजकल खासतौर पर जो ये नौ बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं इनमें रिसर्च प्रोग्राम्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इनमें आप इनमें देख सकते हैं। बिजनेस में जी वो मुर्दा पूछ रहे हैं इन बिजनेस आप, तो उसमें जी हमारे पास HRT में भी यहाँ कई दोस्त हैं जो पाकिस्तान से MBA करके आए थे, यहाँ PhD कर रहे हैं। इसी तरह और भी मेरा ख्याल बीजिंग में भी इस तरह लोग हैं काफ़ी, जो अभी बल्कि इस साल भी हमारे CSE स्कॉलर्स आए हैं पाकिस्तान से। डेडलाइन ऑफ चाइनीज स्कॉलरशिप जी मैंने जिक्र किया कि एक तो अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करना है, हर यूनिवर्सिटी का अपना साइकिल होता है, और इंकरेज वो ये करते हैं कि आप फरवरी से पहले करें क्योंकि उम्र ये मार्च सॉरी मई में इंटीमेट कर देते हैं मई, और फिर आप जरा सितंबर में आपका प्रोग्राम शुरू होता है। ये सवाल पूछा जा रहा है जी कि GRE रिक्वायर्ड इज लोकल और इंटरनेशनल GRE और सब्जेक्ट GRE। जी GRE और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपने अपनी डिग्री अपनी जो भी यहाँ अप्लाई करना है। अच्छा जी, सवाल है कि मास्टर स्कॉलरशिप रिलेटेड टू फार्मेसी, मेरे तजर्बे में तो ऐसा नहीं गुजरा जी, बट मे बी जाहिर है यहाँ हर फील्ड में काम हो रहा है और आप सर्च करें HRT में तो मैंने नहीं सुना, बाहर और यूनिवर्सिटीज में यकीन अपॉर्चुनिटीज होंगी। What are the major requirements for the Chinese scholarship? Major requirements ये, अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना तो अगर BS किया होगा आपने और PhD के लिए सर मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी लैंग्वेज ज़ाहिर है यहाँ आके आप कोई अगर चारों में मुख्तलिफ है, लेकिन स्कॉलरशिप जो है ना वो उसमें ज़रा अच्छा हाँ होता है। I have applied online at CSE website where I would submit my application. ये शायद सवाल दोबारा रिपीट ही हो रहा है कि आपने CSE के लिए अप्लाई की है, अब यूनिवर्सिटी से भी तो रब्ता कीजिए ताकि एक तरफ आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो रहा हो और साथ CSE वालों को भी, और इवन आप जब स्टूडेंट सेंटर के साथ रब्ता करेंगे तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जितना मैंने जिक्र किया अपनी पिछली स्लाइड में, इनको हर यूनिवर्सिटी के पास अपना कोटा है, इन्होंने कितने फॉरनर स्टूडेंट्स को हर मुल्क से, इतना शायद मैंने कोट नहीं किया कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया से, अमेरिका और बाकी यूरोप में और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है जहाँ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहाँ HRT में तकरीबन 2500 फॉरनर हैं तो, और हर साल इनको स्कॉलरशिप का कोटा मिलता है HRT को, जो जाहिर है ये फिर हर मुल्क से जो इन्होंने स्टूडेंट्स
लेने होते हैं वो लेते हैं, बट ज़ाहिर है आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी को, वहाँ डिपार्टमेंट में अपना प्रोग्राम सर्च करें। अच्छा, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर, बिकॉज आई टी सी इज़ डीलिंग करेंटली ऑन द सी सी स्कॉलरशिप्स एंड आई टी सी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द स्कॉलरशिप फॉर्म। सॉरी जी, ये आई टी सी स्टैंड फॉर व्हाट? मुझे तो सी एस सी का पता था, आई टी सी क्या है जी? मुझे नहीं पता। अच्छा, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ फार्मेसी जी, ये मेरे में बात नहीं है। मुझे तो आप इंजीनियरिंग का पूछ सके पूछें तो मैं जहाँ जहाँ दोस्त हैं वो शायद हम शेयर कर सकूँ, ये आपको खुद से थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। एज अ एम एस स्टूडेंट जी, मैं मुझे ये सवाल कुछ मैं फॉलो नहीं कर पा रहा कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि टेंटेटिव एक्सपेंसेस पर मंथ, मतलब पर मंथ कितने एक्सपेंसेस हैं इन चाइना एज ए एम एस स्टूडेंट, कितने उनको पर मंथ। हॉस्टल में आपको अगर अकोमोडेशन मिल जाती है, बाकी आपको वो मंथली अलाउंस मिलता है, तो इट्स हैंडसम अमाउंट जो ये सी एस सी वाले देते हैं। और अगर आप बाहर रहते हैं पी एच डी स्टूडेंट, तो वो फिर आपको ज़्यादा उसके अलावा 700 से 900 रुपये भी आपको अलग से मिलते हैं उसके। आई हैव आइल्स एंड सिक्स एंड नोटराइज कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर अदर रिक्वायरमेंट्स? आइल्स का तो मैंने हर जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि चीन में आने के लिए, यहाँ सर्वाइव करने के लिए चीन ही आना ज़रूरी है। बाकी ज़ाहिर है वही रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप अपने आई बी सी से अपने डिग्री सर्टिफाई करवाएं, और जो है इसी तरह एच ई सी से आपकी डिग्रीज अटेस्ट होनी चाहिए, वो लाजमी है। जॉब आफ्टर मास्टर्स, यार जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, मैंने चीनियों को अंग्रेजी पढ़ाते ही देखा है लोगों को ज़्यादातर। यहाँ जो लोग हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से बी एस किया है, क्योंकि तो पाकिस्तान में आजकल चीनी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि 7,000 चीनी है जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो मेरे इल्म में है कि हमारे कुछ दोस्त जिन्होंने यहाँ से बी एस किया है, और चीनी भी ज़ाहिर है जुबान का उन्हें बहुत एडवांटेज है कि यहाँ उन्होंने पहले पढ़ी भी थी 1 साल, फिर चीनियों के साथ उनकी क्लास में पढ़ा, तो जुबान की वजह से उन्हें फिर बहुत एडवांटेज है। चाइनीज कल्चरल सेंटर इन इस्लामाबाद एंड चाइनीज एम्बेसी पर्सनल, ये क्या सवाल है जी? मैं कुछ शायद समझ नहीं पा रहा। चीन शायद आप चाइनीज पढ़ने की बात कर रहे हैं। Is there any legal documents required for China scholarship? If any, please mention. Legal documents? आपके पास आपकी आपके ट्रांसक्रिप्ट आपकी डिग्रीज हैं जिनके आपने अप्लाई करना है। अच्छा, मुझे नहीं था जी पता कि आई टी सी इंटर प्रोविंशियल कमेटी है। चलें ठीक है। बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज फॉर पी एच डी, नहीं मेरे ये इल्म में नहीं है। सम बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज लिंक फॉर पी एच डी स्कॉलरशिप, जी आपको ज़्यादा सी एस सी की वेबसाइट जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है, वहाँ आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज वगैरह रैंकिंग खुद देख सकते हैं। ये जो बड़ी नौ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें यकीनन आप अप्लाई करें। जॉब्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स इन पी चाइना, जैसा मैंने यहाँ बताया कि जुबान आना ज़रूरी है, अगर जुबान आपको आती है तो फिर अपॉर्चुनिटीज हैं, अदरवाइज। साजिद, आप अपनी काइंडली और ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा सा आवाज ऊंची कर लें, वो आवाज बहुत लो है। जी अच्छा,
चलिए, दीज चाइनीज मास्टर्स आर पीएचडी आर ऑथराइज्ड बाय एचईसी। इसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ जी कि हमें खुद द्वारा एचईसी ने भेजा है और एचईसी के स्कॉलर यहाँ, जिस तरह मैं सिर्फ हार्बिन की बात करूँगा तो एचएलटी में है, हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एचईसी का कोई स्कॉलर नहीं है। तो इससे यही साबित होता है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बारे में मैं कह सकता हूँ। बाकी भी यकीन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को छोड़ के जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, अब सीएम की डिग्री रिकग्नाइज होगी जी, किन एच सी करता होगा रिकग्नाइज, ये वाला आप एच सी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप अमाउंट पर मंथ फॉर मास्टर्स प्रोग्राम? ये जी मैंने शायद पिछले स्लाइड पर शेयर किया था कि जो लेटेस्ट मेरे में वो कि 1700 रमीबी मिलते हैं जी मास्टर के स्टूडेंट को, और पीएचडी के स्टूडेंट को ये शायद 2000 युआन मिलते हैं। लास्ट ईयर आई एम अनेबल टू सबमिट माय सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, वेयर वी सेंड हार्ड कॉपीज ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट। आपने सीएससी की वेबसाइट पे जाहिर है अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, और साथ ही आप यूनिवर्सिटी को भी जाहिर है वहाँ अप्लाई करेंगे और रेफर करेंगे कि मैंने मेरी सीएससी की एप्लीकेशन नंबर ये है। ये दोनों काम आपको करने हैं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन चाइना। मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने 9 बड़ी यूनिवर्सिटी शेयर की, इनमें यकीन बायोलॉजी का डिपार्टमेंट भी होगा, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इज देयर एनी स्कोप ऑफ एमफिल उर्दू इन चाइना? एमफिल उर्दू इन चाइना ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सवाल है, बहरहाल हो सकता है बीजिंग में जी कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ उर्दू का भी शोभा हो, मेरे इल्म में नहीं। नॉर्मल डेडलाइंस फॉर चाइनीज स्कॉलरशिप, जिसे उन्होंने शेयर किया पिछली साल मैंने शेयर किया था कि फरवरी से पहले पहले आपको एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। पीएचडी प्रोसेस इन माइक्रोबायोलॉजी जी, प्रोसेस तो वही है, आपको उसी सारे सिस्टम से गुजर के आना है। आप अप्लाई करेंगे सीएससी की वेबसाइट पर भी और जा रहे डिपार्टमेंट में भी, इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। सचिन, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे इस टाइम। हेलो, हेलो, हेलो मिस्टर साजिद, आपको आवाज आ रही है मेरी?
इज अ प्रॉब्लम एट हिज एंड। जैसे कि आप जानते हैं कि आज अभी For the presentation, and thank you so much. You can email Mr. Sajid also. I will share his presentation in the late night, and you can check his presentation. And और आप presentation देख सकते हैं, उन्हें email कर सकते हैं questions के लिए. और इसके अलावा ये है कि there's a problem at his अभी end। चांसेस इन जैसे कि आप जानते हैं कि आज आज अभी मिस्टर साजिद के लेक्चर के बाद वी विल फिनिश दिस लेक्चर हेयर मिस्टर साजिद। थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच। यू कैन ईमेल मिस्टर साजिद आल्सो। देर इज आई विल शेयर हिज प्रेजेंटेशन इन द लेट नाइट एंड यू कैन चेक हिज प्रेजेंटेशन और आप उनकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, उन्हें ईमेल कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। और इसके अलावा ये है कि उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त हैं सबको हम इस कोशिश से यकीन में फायदा होगा, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा. सो थैंक यू ऑल एंड होपफुली यू नो दैट वी हैव लेक्चर एट 4 o'clock। 4 बजे लेक्चर होगा जो कि मिस्टर अली देंगे फ्रॉम डेनमार्क। और इनका जो लेक्चर है वो अबाउट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड मैनी अपॉर्चुनिटीज इन डेनमार्क। इट्स अ क्वाइट न्यू लेक्चर और ऑल्सो इट्स न्यू फॉर मी। एंड फ्रॉम एट 6 o'clock मिस्टर गुलाम जिलानी, जिन्हें लास्ट टाइम भी लेक्चर दिया था, इट वॉज क्वाइट गुड एंड नाइस लेक्चर अबाउट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इन कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ही विल बी डिलीवरिंग दिस लेक्चर फ्रॉम कैनेडा एंड वी विल ऑल्सो हैव अ लेक्चर एट 8 o'clock फॉर स्पेसिफिकली फॉर सिविल इन मैकेनिकल पेट्रोलियम एंड जियोलॉजिकल इंजीनियर्स फॉर अपॉर्चुनिटीज इन यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम मिस्टर फारूक हमजा हु इज फ्रॉम US। सो वी हैव 3 lectures रिमेनिंग। होपफुली सी यू एट 4 o'clock। सो इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें 4 PM क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी न्यू लेक्चर। आप में से अक्सर लोग नहीं जानते डेनमार्क के बारे में कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और आई हैव सीन द प्रेजेंटेशन, इज क्वाइट गुड, अ नाइस प्रेजेंटेशन। सो होपफुली सी यू एट 4 o'clock। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।